हाय गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। माय नेम इज अरिंदम रॉय चौधरी और यार आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई रिजल्ट्स के बारे में। ठीक है, सीबीएसई में बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा, जितना उन्होंने सोचा उससे ज्यादा मिला या फिर उतना ही मिला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। उम्मीद करते हैं कि आप अपने लाइफ के अगले स्टेज में भी ऐसे ही अच्छा करते रहेंगे। बट इन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो नंबर ऑफ पीपल, जितना उन्होंने सोचा था शायद उतना वो नहीं कर पाए, स्कोर उनसे कम नंबर उनको मिले। और ऐसा भी बहुत सारे केस में होगा जहां पे आप एक 71% क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे थे लेकिन आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए। आपने जितना भी स्कोर किया जेई मेन में वो सब अब धरा का धरा रह गया। ठीक है, देखो लाइफ में ना ऐसे बहुत सारे स्टेजेस आते हैं ना जहां फेल होंगे, अनडाउटेडली ऐसे आते हैं, लेकिन आप उससे क्या सीखते हो और अगले बार उसमें क्या अप्लाई करते हो ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू वन थिंग, हमेशा आपका लाइफ ना ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में रहता है, कभी आपका लाइफ ऐसे जाएगा, लेकिन your determination and your grit is something which will convert this low into a possible high one day। ठीक है यार, कभी किसी के लाइफ में ऐसा कभी हुआ ही नहीं होगा ना कि यार वो हमेशा ही एकदम स्मूथ सेलिंग करते जा रहा है, कभी हार्डशिप्स आए नहीं। कभी कभी आते हैं हार्डशिप्स और हमेशा उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ठीक है, देखो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरी लाइफ में हमेशा से स्मूथ सेलिंग नहीं रही है। राइट आफ्टर माई बर्थ माई मदर वॉज डाइवोर्स्ड, ओके, शी इज माई सिंगल पेरेंट राइट नाउ। 7 साल तक मैं और मम्मी भी कोर्ट तक जाके लड़े हैं, बहुत साल है ना। उसके बाद मम्मी को डाइवोर्स मिला, उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी भी हुई है ना, मतलब आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट राइट। सर मैंने बहुत मेहनत की, 12th में मुझे एक होप मिला कि मैं आईआईटी पहुंच सकता हूँ, एंड आई जस्ट लैंडेड इनटू अ कॉलेज विच इज जस्ट बिलो द टॉप 9 IITs विद एन NIT टैग, नॉट एन IIT टैग, ओनली अ NIT टैग, राइट। सो In some ways, I failed over there also, okay? I have had some relationships, okay? सब जगह से you know, I have had breakups also. And to be very honest, I'll tell you one thing. Mental health is far, far important than your physical health. Physical health में क्या है, आपकी तबियत खराब होगी, 4 दिन में आप ठीक हो जाओगे। Mental health में ऐसा नहीं होता है, दिन भर दिन बैठे रहोगे, कुछ और सोचते रहोगे, और उसके बाद ही जो ये आपके ख्याल आते हैं ना कि अपनी लाइफ को एंड करने का। फॉर एग्जाम्पल मैं आज एक न्यूज देख रहा था, है ना, दिस न्यूज इज अबाउट एन IIT कानपुर प्रोफेसर who committed suicide just one day ago. IIT कानपुर, वन ऑफ द मोस्ट सॉट आउट इंस्टीट्यूशन, वहां पे लोग बीटेक करने का सपना देखते हैं, प्रोफेसर इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आउट जॉब्स। मुश्किल से आपको एक हफ्ते में कितने क्लासेस लेने पड़ते हैं, हार्डली 14 से 15 क्लास, और आपको एक प्रोफेसर, ठीक है, नॉट एन असिस्टेंट प्रोफेसर, नॉट एन एसोसिएट प्रोफेसर, एक प्रोफेसर को मेरे NIT सूची में कम से कम 2 लाख पर मंथ मिलता है, IIT कानपुर में तो ज्यादा और ज्यादा मिलेगा, ठीक है, और इज्जत अलग लेवल की। ठीक है, ये बंदा IIT कानपुर का प्रोफेसर है, समझ रहे हो, दैट गाय कैन ऑल्सो कमिट सुसाइड। तो आप इस चीज समझ सकते हो, लाइफ में हमेशा अगर आप एक बहुत अच्छे कंडीशन में भी हो ना, जैसे आपके CBSE 95 आ गए, आप तब भी दुखी हो सकते हो, लेकिन पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, अपने आप को खुश रखने का, हमेशा लाइफ को एक अलग नजरिए से देखना, हमेशा ये सोचना ना कि यार हाँ आज मैं जहां पे हूं मुझे कुछ सीखने को मिला, मैं पक्का अगले स्टेज में ये गलती पक्का और नहीं करूंगा, कुछ सीखा है मैंने, सीखते सीखते आगे बढ़ते रहेंगे। जब तक आगे बढ़ रहे हो लाइफ में कुछ ना कुछ सीख के, आप हमेशा पॉजिटिव में हो। ठीक है, लाइफ में डाउन्स आते ही है, हमेशा लाइफ स्मूथ सेल नहीं, क्योंकि मैं आपको अपना केस बताता हूँ। ठीक है, 1 महीने पहले तक मेरे दिन के 300 सब्सक्राइबर बढ़ते थे, है ना, अब मेरे पिछले 2 हफ्ते में सिर्फ 300 बढ़े हैं। ठीक है, 14 गुना रेट कम हुई है, लेकिन क्या मैं हार गया, नहीं, मैं आज भी यहाँ पे हार्डशिप करने और सबको मोटिवेट करने के लिए आया हूँ, राइट। ये चीज है यार जो आपको समझनी है यहाँ पे, है ना, कीप फेथ इन योरसेल्फ, अगर नहीं आया कोई बात नहीं, इसके बाद लाइफ में हार्डवर्क करेंगे, और ऐसा कोई भी नहीं है ना यार जो हार्डवर्क करने से कहीं भी रुक जाता है। इन द मॉडर्न वर्ल्ड हार्डवर्क अलॉन्ग विद यू नो योर इनोवेशन इज द बेस्ट वेपन दैट यू कैन डू, इनोवेट करके हार्डवर्क करते चलेंगे ना यार आगे बहुत जाएंगे। ठीक है यार, मैं चाहता हूं चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे मोटिवेशन टॉक्स मैं और आपके लिए लाते रहूंगा, एंड प्लीज डू बिलीव इन योर सेल्फ, ज्यादा मत सोचो, सीबीएसई एग्जामिनेशन है राइट। आप लोग सोचोगे यार इस बार सीबीएसई एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका एडमिशन इस बार SRM और VITC कॉलेजेस में ऑन द बेसिस ऑफ योर सीबीएसई 12th मार्क्स ही होने वाला है। आई टेल यू वन थिंग गाइस, दीस कॉलेजेस आर बुलशिट, सीरियसली बुलशिट। कम से कम आपके 1000 से 2000 लोग सीएसई में बैठे होंगे, एक कंपनी आएगी 1000 से बोलेगी मेरे को 2 बच्चे चाहिए, की प्रोबेबिलिटी है 0.2% दैट विल गेट प्लेस्ड और इंटर्न इन दैट कंपनी। अब आप समझो, लाइफ ने आपको एक मौका दिया है ना, कि आप एक ऐसे जगह चूज कर लो जो कि आपको डिजर्व नहीं करते हो। ठीक है, आई एम टेलिंग यू वन थिंग गाइस, ये जो कॉलेजेस है ना NIRF में ऊपर क्यों है, और आप इनसे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जा सकते हो। NIRF पे विश्वास मत क्या करो, MET जैसा कॉलेज जिसपे इतने मीम बनते हैं, उसके नीचे में रैंकिंग में आपका IIIT हैदराबाद, जिसकी प्लेसमेंट CIC की IIT बॉम्बे के लेवल की है और उससे अच्छी है।
ठीक है, इस चीज को समझो, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो लाइफ में, और मोटिवेशन टॉक्स आते रहेंगी। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड, समय आ गया आप सबसे लेने का, अलविदा।